बेटा थोड़ी देर बात करोगे हमसे? थोड़ी देर बात करोगे? ये कहाँ ले जाते हो कूड़ा? गोदाम पे। कितने पैसे देते हैं आपको? जैसे कितने का बिकेगा ये सामान? 10, 20, 50 रुपए। इतने का बिकता है? 20-25 रुपए बिक जाता है। तुम स्कूल जाना चाहते हो? स्कूल, स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दें? बताओ क्या होगा? पहले तुम पढ़ते थे स्कूल में? कौन सी क्लास में? फोर्थ में। उसके बाद पढ़ाई किसने छुड़वाई तुम्हारी? मेरा नाम काट दिया जानबूझकर। मेरा सर फाड़ दिया था ना, इसलिए मैं जा रहा था। सर फाड़ दिया किसने? वहाँ पे स्कूल में। स्कूल में फाड़ दिया सर तुम्हारा किसने? बच्चों ने? पर सर जी भी उल्टा मेरे को मारे। सर जी तुम्हारे मारे उल्टा और नाम काट दिया तुम्हारा? समस्या गंभीर है। वहाँ बैठ के बात करें 2 मिनट, हम आपका एडमिशन भी करा देंगे। आ जाओ। घर में कौन कौन है आपके? दादी और बहन। आपकी मम्मी पापा नहीं है? पापा दूसरी शादी करके कहीं रहते। पापा ने दूसरी शादी कर ली? मिलने आते पापा आपसे? नहीं। तो घर में आप ही हो जो काम करते हो? कितने बजे निकलते हो सुबह घर से? 10-11 बजे। और शाम को? तुम्हें कितने मिलते हैं इसके काम के पूरे दिन में? 50 रुपये। 50 रुपये डेली के हम तुम्हारी दादी को दे दें तो तुम पढ़ाई कर लोगे ना? तुम्हारा नाम लिखवा देंगे और जो तुम 50 रुपये डेली करते हो ना वो हम देना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 50 रुपये एक दिन के हुए तो महीने कितने हुए भाई? 1500 हो गए। 2000 रुपये तुम्हारी दादी को हर महीने हम दे देंगे। ठीक है, तुम्हारी दादी से मिल सकते हैं हम जाके? कहाँ जाती हैं? आंटी के घर। आंटी के घर क्या करने? सत्संग में जाती हैं। कब मिल सकते हैं हम बताओ? कल सुबह। कल सुबह मिल सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कहाँ आना है? क्योंकि हम आके एक बार तुम रोज आते हो। कल किस टाइम आओगे? कल सुबह 8 बजे। 8 बजे पक्का? सुबह 8 बजे इनके साथ चल के इनकी दादी से मिल लेंगे। बेटा कल याद से आ जाना आप, ठीक है? कल आपसे मिलेंगे। ये लो, ये घर ले जाना। दादी माँ को बोलना कि कल भैया आएंगे, ठीक है? हर महीने 2000 रुपये देंगे और ये काम आप छोड़ दोगे, ठीक है? इसमें बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी सारी ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हो? ये पैसे लो। अब घर कैसे जाओगे? घर किस में जाते हो? पैदल जाते हो घर? पैदल का रास्ता है? घर कितनी देर में पहुँचोगे पैदल जाके? रात में पहुंचोगे। अफसोस कि उस बच्चे से दोबारा नहीं मिल पाए हम लोग, और हम मिलना चाहते हैं। तो पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, और जिनको भी इनकी कुछ डिटेल मिलती है हमें मेल कर दें हमारी मेल आईडी पर जो हमने नीचे दे रखी है। बाकी कुछ और भी सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं उस बच्चे के ना आने के, उसकी दादी अम्मा ने उसे नहीं आने दिया हो, या फिर वो खुद स्कूल नहीं जाना चाहता हो, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं कह देते हैं अगले दिन मना कर देते हैं, उनका मन नहीं होता। तो कुछ भी हो सकता है, बट हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही, क्यों वो लड़का वापस नहीं आया। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद ये वीडियो उस बच्चे के आसपास किसी इंसान तक पहुँच जाए जो हमारी वीडियोज़ देखता हो। तो हम इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का। बाकी हमारी वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, और हमारी टीम को कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें पेटीएम कर सकते हैं, जिसकी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए, धन्यवाद। लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए एक से एक बढ़िया वीडियो।